कार्यस्थल पर नेतृत्व का महत्व। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हर काम ठेकेदार की निगरानी में होता है। यह काम सफलतापूर्वक पूरा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होती है, इसलिए उनमें अच्छे नेतृत्व की क्षमता होना बहुत जरूरी है। संगठनात्मक क्षमता, टीम का सही दिशा में मार्गदर्शन करना, सही समय पर सही जानकारी प्रदान करना, टीम से संवाद बनाए रखना और उन्हें काम के लिए प्रेरित करना, ये कुशल नेतृत्व के लक्षण हैं। टीम को संगठित रूप से चलाने के लिए ठेकेदार में यह क्षमता होनी चाहिए। टीम को काम के लिए प्रेरित करना, अच्छा काम करने पर कर्मचारियों की प्रशंसा करें, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, आपसी मेल रखकर कर्मचारियों को काम के लिए प्रेरित करें। कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, साइट की सुरक्षा एक तरह से ठेकेदारों के हाथों में ही होती है। कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सभी कर्मचारी सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं या नहीं, सुरक्षा उपकरणों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ठेकेदार को इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। समस्या निराकरण क्षमता, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है उसकी जिम्मेदारी लेकर समस्या जल्दी से हल करने की क्षमता ठेकेदारों में होनी चाहिए। आपातकाल स्थिति में मजदूर, साइट और खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन साइट पर साधन सामग्री की देखरेख, कंस्ट्रक्शन साइट पर सही समय पर सही सामग्री को पहुंचाना, उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं यह देखना ठेकेदारों के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे साइट पर काम की गति को बनाए रखने में मदद मिलती है। पर्यावरण की जिम्मेदारी, सावधानी के साथ निर्माण स्थल की साफ सफाई रखें, कचरा सही तरीके से निपटाएं और प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करें। उचित वेतन वितरण, कर्मचारियों को काम के अनुसार उचित समय पर वेतन दें। सुनिश्चित करें कि समान पद पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन समान हो। एक अच्छा टीम लीडर बनने के लिए इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें और साइट पर काम को सुचारू रूप से पूरा करने की कोशिश करें।